सो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि ओडो और क्योन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ओडो क्योन को किस करते टाइम उसे यहाँ वहाँ टच भी कर रहा था, जिसकी वजह से क्योन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है एंड वो ओडो को रुक जाने के लिए बोलता है। अब क्योन के कई बार कहने पर भी ओडो नहीं रुकता, जिसकी वजह से क्योन ओडो को पीछे की तरफ पुश करता है। क्योन ओडो को बोलता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और ना ही वो ये सब कुछ करने के लिए अभी रेडी है, इसलिए वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता। जिसपे ओडो से पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, जिसपे क्योन बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका हार्ट बर्स्ट हो जाएगा। जिसपे ओडो से बोलता है कि आज की रात उसे अपना हार्ट बस्ट होने देना चाहिए। सो ओडो क्योन को पूरी तरह से अंड्रेस करता है और उसकी पूरी बॉडी पर किसेस करने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है, बिकॉज वो पहले भी कई लोगों के साथ इंटीमेट हो चुका था बट इतना एक्साइटेड उसने कभी भी फील नहीं किया था। अब ओडो अपनी बॉडी पर से कंट्रोल लूज कर देता है और वो अचानक से क्योन के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे कि क्योन को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है एंड वो ओडो को जल्दी से रुक जाने के लिए बोलता है। जिसपे ओडो बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा एंड ये बोलकर वो क्योन को किस करता है एंड देन वो पूरी रात उसके साथ इंटीमेट होता है एंड इस तरह से ये रात बीत जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है एंड विंडो से बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट आने की वजह से ओडो की आंख खुल जाती है। ओडो उठकर बैठ जाता है और वो सोचता है कि इतनी ब्राइट लाइट में कोई कैसे सो सकता है एंड देन उसे याद आता है कि क्योन के घर की विंडोज के तो कर्टन ही नहीं है। अब ओडो क्योन की बुक्स देखता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि क्योन ग्रेजुएशन के लिए स्टडी कर रहा है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी कर रहा है एंड इसी वजह से उसकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक और थिन हो गई है। अब ओडो को याद आता है कि उसके सेक्रेटरी ने बताया था कि क्यों ने पूरा दिन एंड ऑलमोस्ट पूरी रात पार्ट टाइम जॉब्स करता है, जिसकी वजह से उसे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इस बात से ओडो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो क्यों को हक करके मन में सोचता है कि आज वो क्यों को अच्छे से रेस्ट करने देगा। अब अचानक से कोई चीज खिड़की का ग्लास तोड़कर अंदर आती है, जिससे कि ओडो शॉक्ड हो जाता है। ओडो देखता है कि वो एक काफी बड़ा स्टोन था जिसे बाहर से किसी ने फेंका था एंड जिसकी वजह से विंडो का ग्लास टूट कर पूरे रूम में यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। अब ओडो जल्दी से जाकर विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ पर वो कुछ स्टूडेंट्स को और रेगुलर लोगों को देखता है, जो कि डेली के अपने काम से इधर उधर जा रहे थे। ओडो समझ जाता है कि ये काम उसी स्टॉकर ने किया है बट वो स्टॉकर को नहीं देख पाता, बट हम उस स्टॉकर को देख पाते हैं जो कि उसी स्ट्रीट में एक वॉल के साथ खड़ा था। अब चलते टाइम स्टॉकर की एक स्टूडेंट के साथ टक्कर हो जाती है, जिससे कि उस स्टूडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उस स्टॉकर को बोलता है कि क्या वो अंधा है, क्या वो देख कर नहीं चल सकता एंड जाने से पहले वो स्टॉकर को बास्टर्ड कहकर पुकारता है। ये वर्ड सुनते ही वो स्टॉकर उस स्टूडेंट को गुस्से से क्लियर करता है एंड हमें पता है कि उस स्टूडेंट के साथ क्या होने वाला है एंड थोड़ी ही देर बाद हम उस स्टूडेंट की लाश एक वॉशरूम में देख पाते हैं। अब हम वॉशरूम में उस स्टॉकर को देख पाते हैं, जो कि अपने होन से सने हाथ धो रहा था एंड वो अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ कितना बोरिंग है, बिकॉज वह रोज ही किसी ना किसी को किल करता है बट उसके हार्ट में से कुछ भी फील नहीं होता। अब हमें बहुत टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब उस स्टॉकर ने फर्स्ट मर्डर किया था एंड उसके बाद उसके हाथ कांप रहे होते हैं एंड वो चुपचाप आकर एक पार्क में बैठ जाता है। अब वो अपने कानों में हैंड फ्री लगाकर सॉन्ग सुनने लगता है एंड उसके सॉन्ग्स की आवाज बाहर भी आ रही होती है। उस स्टॉकर अपने मन में सोचता है कि उसने उस पर्सन को इसलिए नहीं मारा कि उसे उस पर्सन से कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि उसने इसलिए उसे किल किया बिकॉज ऐसा करने से उसे ऐसा फील होता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब स्टार्ट वाले ब्रांड से एक पर्सन उस स्टॉकर को बोलता है कि उसके कपड़ों से ब्लड की स्मेल आ रही है एंड सॉन्ग्स में उसका टेस्ट काफी ज्यादा यूनिक है। इस बात से वो स्टॉकर काफी हैरान होता है, वो अपने मन में सोचता है कि कोई भी पर्सन ये जानते हुए कि उसके कपड़ों से ब्लड की स्मेल आ रही है उसे इतनी आसानी से जज कैसे कर सकता है एंड वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ओडो था। ओडो स्टॉकर को बोलता है कि उस म्यूजिक में उसकी पसंद काफी ज्यादा यूनिक है, उसे बिलीव नहीं हो रहा कि आज भी कोई ऐसा म्यूजिक सुनता है। अब जब वो स्टॉकर ओडो की आईज देखता है तो वो रियलाइज करता है कि उस पर्सन की आईज सेम उसकी आईज की जैसे थी, जिनमें कोई भी इमोशंस या फीलिंग्स नहीं थी। ये बात रियलाइज करते ही उस स्टॉकर का हार्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम बहुत ही जोरों से बीट करने लगता है एंड उसे अजीब सी फीलिंग्स आने लगती है। वो स्टॉकर अपने मन में सोचता है कि ओडो को कोर्ट ने सिर्फ उसके लिए बनाया है, कोई भी उसे ओडो से अलग नहीं कर सकता। अब स्टॉकर अपने सर से वो हुडी कैप उतार देता है, वो बोलता है कि उसे खुशी है कि ओडो एक गे है एंड वो खुद भी दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है एंड खासतौर पर उसे क्योन के मुकाबले में तो वो कुछ ज्यादा ही गुड लुकिंग है। अब सीन शुरू होता है, हम लोग क्योन को देख पाते हैं जो कि एक टेप के साथ उस विंडो के ग्लास को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। क्योन ओडो को बोलता है कि अब ये ग्लास ठीक हो गया है, जरूर नेपर उठ के बच्चों ने उसके साथ ये शरारत की होगी। अब क्योन ने उस ग्लास को अपनी तरह से परफेक्टली फिक्स कर दिया था, जिसे ओडो देख कर अपना सर पकड़ लेता है। वो बोलता है कि क्या उसे पता भी है कि ये सब कुछ कितना डेंजरस था। जिसपे क्योन बोलता है कि ये तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज वो अपने बेड को विंडो से दूर ले जाएगा। ओडो क्योन को बोलता है कि अगर वो उसके साथ उसके घर में नहीं रहना चाहता तो एटलीस्ट वो उसके लिए एक नया घर बाय कर सकता है। जिसपे क्योन बोलता है कि वो इतनी छोटी सी बात पे इतनी टेंशन क्यों ले रहा है। अब ओडो क्योन की बैग पर एक इंजी नोटिस करता है, उसे बोलता है कि बाकी बातें बाद में, पहले उन्हें इस इंजी को ट्रीट करना होगा। ये बोल गया ओडो क्योन की इंजी को लिक करने लगता है, उसे बोलता है कि उसे लगता है कि बैंडेज लगाने से पहले उसे इस इंजी को क्लीन कर लेना चाहिए एंड ये बोलकर वो फिर से क्योन के साथ रोमांस करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग क्योन को अपनी पार्ट टाइम जॉब पे देखते हैं, जो कि अभी भी ओडो के बारे में ही सोच रहा था। क्योन अपने मन में सोचता है कि क्या ओडो सच में इतना काइंड है या फिर वो काइंड होने का नाटक कर रहा है। अब क्योन को याद आता है
है जब ओडो ने उससे बोला था कि वो जब चाहे उसके घर में आ सकता है एंड वहाँ पर रह सकता है एंड वहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। ये बात याद आते ही क्यों काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसी बातें क्यों सोच रहा है। अब अपने रेड फेस को छुपाने के लिए वो अपना हेड नीचे कर लेता है जिससे कि उसकी फ्रेंड हेंजी को लगता है कि वो बीमार है, इसलिए वो उससे बोलती है कि वो घर जाकर रेस्ट कर सकता है, बाकी काम वो संभालेगी। जिस पे क्यों हेंजी को बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, जिस पे हेंजी उसे बोलती है कि आज क्यों कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड और खुश लग रहा है एंड ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। अब स्टोर के बाहर हम उसी स्टॉकर को देख पाते हैं जो कि क्यों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो स्टॉकर अपने मन में सोचता है कि वो इस क्यों को इतनी आसानी से नहीं मारेगा बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा एंड उससे तो वेट नहीं हो रहा कि कब वो इस हंसते हुए चेहरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हमें 4 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर क्यों उसी स्टोर में काम कर रहा था बट हेंजी स्टोर नहीं आती। अब वहाँ पर वो स्टोर ओनर आ जाता है जो कि क्यों से पूछता है कि क्या उसने हेंजी को देखा है, बिकॉज 4 दिन से हेंजी स्टोर नहीं आ रही और ना ही वो अपना फोन पिक कर रही है। ये बात क्यों को काफी अजीब लगती है एंड वो उस स्टोर ओनर को बोलता है कि ठीक है वो हेंजी से बात करने की कोशिश करेगा। वो स्टोर ओनर बोलता है कि अगर हेंजी ने ये जॉब छोड़ दिया तो वो उसे इन्फॉर्म कर दे ताकि वो एक नए पार्ट टाइमर को हायर कर सके। जिस पे क्यों बोलता है कि उसे ऐसा नहीं लगता बट वो हेंजी से बात करके उसे इन्फॉर्म कर देगा। थोड़ी देर बाद क्यों बार बार हेंजी को कॉल करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब हेंजी फोन पिक कर लेती है। अब क्यों हेंजी से बात करने की पूरी कोशिश करता है बट सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। ये बात क्यों के लिए काफी ज्यादा अजीब थी। अब थोड़ी देर में वो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड उसके बाद कोई उस फोन को स्विच ऑफ कर देता है। अब रात हो जाती है, क्यों बार में काम कर रहा था बट अभी भी हेंजी से कोई बात नहीं हुई थी इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान था। अब अचानक से क्यों को ओडो की कॉल आती है, वो कॉल पे क्यों को बोलता है कि क्या वो फ्री है एंड अगर वो फ्री है तो उसने उसे कॉल क्यों नहीं की। जिस पर क्यों ओडो से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो फ्री है, क्या वो उस पर नजर रखता है। हम देखते हैं कि ओडो बार के अंदर आ चुका था एंड वो क्यों को बोलता है कि उसे उस पर नजर रखने की क्या जरूरत है, बिकॉज वो हर टाइम उसी के बारे में तो सोचता रहता है। जिस पर क्यों ओडो को बोलता है कि आखिर वो झूठ बोलना कब बंद करेगा। अब ओडो क्यों के बिल्कुल सामने आ गया था एंड उसे बोलता है कि वो हर वक्त उसका क्यूट एंड रोता हुआ फेस इमेजिन करता रहता है जो कि उसे रुकने के लिए बोल रहा था जब वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। अब वहां पर जिन आ जाता है जो कि ओडो को वार्न करता है कि वो उसके एम्प्लॉयज के साथ वर्किंग टाइम पे इस तरह से फ्लर्ट नहीं कर सकता। क्यों को ओडो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बिकॉज वो हमेशा ही उसे जिन और बाकी कुलीग्स के सामने एम्बेरस कर देता है। जिस पे ओडो जिन को बोलता है कि पता नहीं उसे क्या हो गया बिकॉज वो उसके एम्प्लॉय क्यों की आवाज सुनने के लिए जस्ट उसे देखने के लिए अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर आ जाता है। जिन इस बात को इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। जिस पे ओडो क्यों को बोलता है कि वो जानता है कि क्यों उसे बहुत ज्यादा मिस करता है। जिस पे क्यों उसे बोलता है कि वो चुपचाप किसी कॉर्नर में जाकर ड्रिंक क्यों नहीं करता। अब ओडो बड़े ही प्यार से क्यों को बोलता है कि उसने क्यों को बहुत ज्यादा मिस किया। जिस पे क्यों बोलता है कि उसने उसे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। ओडो जिन को बोलता है कि आज वो एक प्राइवेट रूम में ड्रिंक करना चाहता है एंड आज रात के लिए उसे ड्रिंक के साथ साथ क्यों भी चाहिए एंड ये बात सुनकर क्यों ब्लश करने लगता है। ओडो के चले जाने के बाद जिन क्यों को बोलता है कि उसे जस्ट ओडो को ड्रिंक सर्व करना है एंड जल्द से जल्द नीचे आना है बिकॉज इस बार का मालिक वो है ओडो नहीं, इसलिए वो सब कुछ डिसाइड करेगा एंड उसे अपना ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि वो स्टॉकर दूर खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहा था। अब जैसे ही क्यों उस रूम के अंदर जाता है तो अंदर जाते ही ओडो उसे पकड़ लेता है एंड बहुत ज्यादा इंटेंस वे में किस करने लगता है एंड यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूल जाना बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो अप टिल नेक्स्ट चैप्टर, टेक केयर एंड गुड बाय।